प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहना चाहते हैं और कल उनके चुनाव है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए कल जो चुनाव है, उससे हमारा कोई विशेष वो नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव मतलब वो है ही नहीं, तो फिर चुनाव क्या करा रहे हैं। हम तो साफ बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहे हैं कि टोटल फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा का हम एक आधार दे रहे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आ रहे हैं, तो कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जिसमें 20 लोगों की लिस्ट पेश की गई है, उसमें से 10 लोग तो इसके पहले के पहले जो कार्यकारिणी थी उसने उनको निकाल दिया था। उन 10 लोगों को आप डीएचए में आए कैसे, इसका तो उत्तर कोई दे, इसका कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। दो लोगों के नाम डबल डबल आ रहे हैं, एक बार क्लब के नाम से आ रहे हैं, एक बार लाइफ मेंबर के नाम से आ रहे हैं। जो कोई भी भोपाल हॉकी के बारे में, भोपाल हॉकी एसोसिएशन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, उन सबको पता है कि भोपाल हॉकी एसोसिएशन का एक लाइफ मेंबर है जो फाउंडर मेंबर भी है, भगवान सिंह गुलाटी, उसके अलावा कोई लाइफ मेंबर नहीं है। और वो जो लिस्ट पेश की गई है कोर्ट में पेश की गई है, उसमें दो लोगों को शौकत अली साहब और साजिद साहब, इन दो लोगों को लाइफ मेंबर बताया जा रहा है। हमें दिया गया होता तो आप या कोई भी ये कह सकता था कि हमने उसमें कोई फोर्जरी कर दिया होगा, लेकिन ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना। ये 10 लोगों को जो अपन ने आपने निकाला है एक्चुअली वो क्लब के मेंबर तो होंगे ही होंगे, क्लब के होंगे, वो क्लब के मेंबर उनसे जाके जोड़कर नहीं, क्लब क्लब के बिल्कुल क्लब, देखिए जो पार्टी में आपके पद पे थे पिछले निकाले गए उनके पास 10 क्लब के 10 क्लब के मेंबर थे, वो उनसे जाके जोड़कर, वो 10 क्लब तो उनके डिनाई होगा क्योंकि क्लब मेंबर है। मेरा प्रश्न ये है कि डीएचए बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, डीएचए बंदी नहीं, पर्टिकुलर डीएचए हमने निकाला।